देश के अंदर महंगाई का दौर एक बार फिर से जारी है। बातचीत करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज रविवार है, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। बातचीत करें अगर हम केवल पेट्रोल की तो पेट्रोल की कीमत में 88 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई और वहीं डीजल में भी 82 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद में क्या अभी दरें बनी हुई हैं पेट्रोल डीजल की और किस हद तक आगे और दाम बढ़ने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, सीधा हम आप सभी को हमारे इस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। तो फिलहाल नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में देश में एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत हर दिन बढ़ रही है। आज पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ है, तो इसके बाद जयपुर में एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ करके 115 रुपये 83 पैसे पर पहुंच चुकी है, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत बढ़ करके 98 रुपये 88 पैसे पर पहुंच गई। ऐसे में मार्च महीने के 13 दिन में 12वीं बार बड़ी कीमतों के बाद पेट्रोल 8 रुपये 72 पैसे और डीजल 8 रुपये 7 पैसे महंगा हो चुका है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स IOC, BPCL और HPCL को नवंबर से मार्च के करीब बीच 2.25 अरब डॉलर के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।